हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आज मैं आपके लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लाई हूं और इस पिका कार्ड रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके 6 महीने जो आने वाले हैं, ठीक है, वो कैसे होने वाले हैं, ठीक है ना। ये हम आपके लव, करियर, वर्क, हेल्थ से रिलेटेड सभी इशूज़ पर देखेंगे कि आपके आने वाले 6 महीने में इन लव, हेल्थ, वर्क और करियर और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, ठीक है ना। कैसे होंगे आपके आने वाले 6 महीने, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए इवेंट हो सकते हैं 6 महीने। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, ठीक है ना दोस्तों। एक जनरल रीडिंग है और जो आपसे रेजोनेट होती है ना मैसेज वही रखिए और जो नहीं होती है उसे जाने दें। साथ ही साथ ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि आप किसी भी ईयर में देख रहे हो, किसी भी मंथ में देख रहे हो, तो तभी से 6 महीने के लिए ये रीडिंग वैलिड है, ठीक है ना। किसी भी मंथ में देख रहे हो, किसी भी ईयर के, तभी से 6 महीने के लिए ये वैलिड होगी, ठीक है, ये मैसेजेस। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लिए मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आप कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेट कर लें और अपने इंट्यूशन से चूज करें जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है ना। तो अब वहीं पे आपके मैसेजेस होंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं टाइमिंग आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है हेल्प की, तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने कार्ड्स आपके लिए सफल कर लिए और हम आपके लिए देखेंगे क्या मैसेजेस आते हैं, आपके 6 मंथ कैसे होने वाले हैं, ठीक है ना। आपके हेल्थ, वर्क, करियर, आपकी 6 महीने कैसे बीतेंगे, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ गाइडेंसेस देखेंगे, ठीक है। आपको क्या फॉलो करने चाहिए, एंजल्स और डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए, और फिर हम एनर्जी ओरेकल डेक से भी आपके लिए मैसेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम टैरो डेक से देखते हैं। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंट, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ पेंट्स, वी हैव जस्टिस कार्ड, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। वेट, सो पाइल नंबर 1, मैंने अभी कार्ड सजेस्ट कर दिया ताकि आपको अच्छे से नजर आए, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है कि आप आने वाले टाइम में, आने वाले 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा आप करियर को लेके प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले और उसके लिए प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। आप लोग इस बात पे ज़्यादा फोकस हो जाएंगे कि वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, जो बता रहा है कि आप लोग फ्यूचर को लेके काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, ठीक है ना। जो लोग पहले से, मतलब अगर अपने फ्यूचर के बारे में कम सीरियस थे, कम प्लानिंग करते थे, क्या पाना था, क्या खोना था अपने फ्यूचर से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, वो क्लियर नहीं थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर आने वाले 6 महीने में आप इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेंगे कि मेरे 6 महीने के मेरे फ्यूचर कैसे होने वाली है, ठीक है ना। मुझे अपने फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, आप स्ट्रैटेजीज पे फोकस हो जाएंगे, ठीक है ना। आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और अपने पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप लोग कुछ प्लान करके कुछ वर्क स्टार्ट भी करेंगे इन 6 महीनों में, और इसके वजह से आपको उस वर्क में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंट्स, ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ये आपके लिए अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, ठीक है। और ये वर्क कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है, केयरिंग, नर्सिंग में रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। हो सकता है आप कुछ ऐसे पर्सन हो जो वर्क करना चाहते हैं या फिर करियर सेटअप करना चाहते हैं नर्सिंग में, या कुछ ऐसा वर्क जो लोगों की केयर में ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट शो करता होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं या फिर आने वाले 6 महीने में ऑनलाइन वर्क आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नेम फेम भी मिल सकता है। वो काफ़ी लार्ज स्केल पे भी हो सकता है, काफ़ी बड़े पैमाने पे भी हो सकता है, छोटे पैमाने पे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आपको अपने सिटी, अपने एरिया या फिर अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी दिला सके, ठीक है। आपके वर्क के थ्रू मैं ये फील कर रही हूँ, आप अपने पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है ना। अभी हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या लाइफ में करनी है, तो आने वाले टाइम में आपके 6 महीने में आप अपनी पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे। आपको पता होगा कि आने वाले कुछ साल में मुझे कहाँ होना है, मुझे क्या अचीव करना, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है आने वाले 6 महीने में।
मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोग अपने फैमिली को 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है इस वजह से भी हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिले कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताएं। ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है आप अपने घर में ज़्यादा टाइम देंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपका किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है ना, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप लोग किसी भी पर्सन से डिवोर्स लेने वाले हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको, या फिर डिवोर्स नहीं तो फिर आप किसी ना किसी तरह से लीगल मैटर्स में अगर फंसे हुए हो, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सभी के लिए सभी मैसेजेस नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं तो आपको उससे छुटकारा मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा और वो जो केस का रिजल्ट है वो आपके ही फेवर में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने उस केस में लॉयलिटी रखी हुई है, ठीक है ना, आपने वहाँ पे ऑनेस्टी दिखाई है, आपने वहाँ पे सच्चाई का साथ दिया, दैट्स वाई आपको जजमेंट जो मिलने वाला है वो आपके फेवर में आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए कुछ नया रिलेशनशिप आ सकता है विथ एस ऑफ कप्स, आपके लिए कोई नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है कुछ सिंगल लोगों के लिए, या फिर मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप, या फिर अगर आपके लिए ऐसा नहीं है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस लाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिजेस भी नज़र आ रही है, हो सकता है आपके लिए मैरिजेस के लिए कुछ प्रपोजल आए, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेपरेशन भी लग रहा है, ठीक है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो कि आप काफ़ी ज़्यादा वो ढो रहे हैं, ठीक है ना, उस रिलेशनशिप को, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा रिमोर्सफुल, लोनलीनेस और आइसोलेशन फील करते हैं, और आने वाले 6 महीने में मुझे ये फील हो रहा है कि आप उस रिलेशनशिप को एंड करने के लिए, यानी आप अपने 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपका जो अभी पोजिशन है, ठीक है ना, उससे आप बेटर हो सके आने वाले 6 महीने में। इस तरह की प्लानिंग आप करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब लॉस भी नज़र आ रहा है, ठीक है, हो सकता है आप कुछ ऐसे जॉब को कर रहे हो जहाँ पे आप बहुत दिनों से वो छोड़ना चाह रहे हो, तो वो उस चीज़ को आप वहाँ से छोड़ दोगे, ठीक है ना, आपके ऊपर जो भी इमोशनल बैगेज है, किसी तरह का रिलेशनशिप में टेंशन है या फैमिली में टेंशन है, देन उस चीज़ को लेके आप आने वाले 6 महीने में ओवरथिंक करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना, और भी गाइडेंस से हम कार्ड देखेंगे। चलिए हम और भी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए आने वाले 6 महीने कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग मुझे 6 महीने में टेंशन लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं, तो वो टेंशन आप ना लें, आप, और अगर आप टेंशन ले भी रहे हैं तो प्लानिंग करके उस चीज़ से छूटने वाले हैं, मतलब उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने वाले हैं, ठीक है, ये भी फील हो रहा है। द टेम्पल पाथ, ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा, मैंने कहा कि आप अपने प्रॉब्लम से छूटने वाले हैं, ठीक है ना, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके ऊपर कोई भी लीगल केस चल रहा है तो उस चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए शादी विवाह का प्रपोजल आ सकता है उस पर्सन के साथ जो लॉयर है या फिर किसी तरह से लीगल मैटर्स में है, ठीक है। टेम्पल पाथ, आने वाले 6 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आप अपने इमोशनल बैगेज को, मन के ऊपर जो भी बोझ है उससे छुटकारा पाएंगे, यानी कि आप इस वाले कंडीशन से बाहर आएंगे, ठीक है ना, आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे इस वाले टाइम में 6 महीने जो आने वाले हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग ये इंडिकेशन है दोस्तों कि आपको अपने ऊपर किसी भी तरह का पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट के किसी भी बातों का टेंशन नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है ना, इस वाले कंडीशन में अगर आप ज़्यादा रहते हैं तो आपके लिए ये हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप हेल्प नहीं लेते किसी से, ठीक है ना, आप अपने ही मन के भीतर घुटे जा रहे हैं इस वाले कंडीशन में। देन आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग आया है जो कि क्लियरली आपको ये बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है आने वाले 6 महीने में, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करनी है किसी के साथ या किसी वाइज पर्सन से हेल्प लेना है आपको, क्योंकि आपने हेल्प का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, देन आपको हेल्प लेना है किसी न किसी वाइज पर्सन से, ठीक है ना, जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके लिए स्टॉर्म वार्निंग है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हर्ट, ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो अगर आप सिंगल हैं, और नहीं तो फिर आपके लिए कोई बहुत रोमांटिक प्रपोजल एंटर करेगा लाइफ में, ठीक है। We will see some more card, attachment, ठीक है, attachment, emotional baggage, ठीक है ना, आप आने वाले 6 महीने में इस वाले मूड में रहेंगे, ठीक है, और उससे निकलने की भी कोशिश करेंगे। वी हैव 5 एंड 5, सो 5 एंड 5
इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए किसी ना किसी तरह से, तो आप आने वाले 6 महीने में थोड़े से डिप्रेस और टेंशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अटैचमेंट, वी विल टेक सम मोर कार्ड प्लीज एंजल सेट। वॉकिंग अवे, ठीक है, तो हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के जो आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन दे रहा हो, पास्ट में आप काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच्ड फील कर रहे थे उस पर्सन से, लेकिन आपको कहीं ना कहीं भीतर से सेटिस्फैक्शन नहीं था, आपकी सोल दुखी थी, ये किसी वर्क से भी रिलेटेड हो सकता है, तो आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप 6 महीने जो आने वाले हैं ना उसमें आप एक वैरियर की तरह काम करने वाले हैं। आप रिलेशनशिप को लेके या किसी भी प्रॉब्लम को लेकर सिर पकड़ के नहीं बैठने वाले हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है ना। आप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस पॉजिटिव होंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है ना। हॉस्टिलिटीज़, ठीक है, देखिए मैंने कहा आप आने वाले प्रॉब्लम्स के साथ आप लड़ाई करेंगे, लड़ाई इन द सेंस कि आप उससे लड़ के अपने लिए एक सही रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है ना, मुझे ये फील हो रहा है। आप करियर में भी कुछ नए वर्क को कर सकते हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, अभी मैंने कहा करियर में कुछ कर सकते हैं और फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट आया, तो हो सकता है आपके आने वाले टाइम में 6 महीने में आप जो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए आप कुछ करियर के लिए स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, ठीक है। We will take final card from this deck, Angel of Strength। तो आप लोगों के सामने इस तरह से सामने आने वाले ना जो आप पहले आपने इस तरह का स्ट्रेंथ नहीं दिखाया होगा, आपके लिए हॉस्टिलिटीज कार्ड भी आया है, ठीक है, और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी, तो आप काफ़ी हिम्मत रखने वाले हैं इन 6 महीनों में और जीवन से काफ़ी जात लीजिएगा पॉजिटिविटी के साथ। आप 6 महीने में हिम्मत दिखाने वाले हैं और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ अपने प्रॉब्लम से, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। चलिए हम कुछ गाइडेंस लेते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए इन 6 महीनों में ताकि आपकी लाइफ बेटर हो सके, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। विशेस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आपको पॉजिटिव विश करना है, ठीक है ना, आप नेगेटिव विश मत करिएगा कोई भी विश, और नेगेटिव रहिएगा भी मत किसी भी सिचुएशन को लेके, ठीक है। आप पॉजिटिव विश करिएगा और हेल्प लीजिएगा। आपने पहला कार्ड ही सिलेक्ट किया है हेल्प का, तो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लीजिएगा, ठीक है ना। पर्सपेक्टिव, अगर आप किसी सिचुएशन को काफ़ी नेगेटिवली थिंक कर रहे हैं कि मेरे लिए क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो अगेन आपके लिए पर्सपेक्टिव का कार्ड आया और ये बताता है कि आपको आने वाले सिचुएशन को काफ़ी पॉजिटिवली देखना है, ठीक है ना। चाहे आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्टी टाइम क्यों ना हो, फिर भी आपको पॉजिटिवली रहना है। वी हैव फ्लाइट, ठीक है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। अगर आप कोई वर्क से रिलेटेड कुछ नया करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि आप उस चीज़ को करने से डरे नहीं, ठीक है ना। आपको अपना स्टेप लेना है, लिसनिंग, आपको अपने इंट्यूशन की बातें सुननी है, और अगर आपके लाइफ में कोई वाइस पर्सन है, कोई ओल्ड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अच्छे सजेशन देता है, अच्छे एडवाइसेस देता है, देन आपको उनसे एडवाइस भी लेनी है और उनकी हेल्प भी लेनी है। ये आपको अपने जजमेंट से आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है ना, कि आपको वहाँ पे हेल्प लेनी है और सुनना भी है उनके बातों को। तो पाइल नंबर 1 ये थी मैसेजेस आपके आने वाले 6 महीने के लिए, और आई होप सो आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट की होगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में दोस्तों। आप अपना तब तक ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहे, ठीक है ना, लाइफ को लाइटली लें, ठीक है ना। लाइफ में खुशियाँ दुख सब आते जाते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और काफ़ी सेफली रह रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे होंगे, ठीक है। आपका करियर कैसा होगा, आपका वर्क कैसा होगा, आपका लव लाइफ कैसा होगा, आपका हेल्थ कैसा होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर हम देखेंगे कि आपके आने वाले 6 महीने में क्या होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जनरल रीडिंग है तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है वही रखिए, और जो नहीं हो रही है उसको जाने दें, क्योंकि इसे बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप ये किसी भी मंथ में देख रहे हैं ना, तो तभी से 6 महीने के लिए ये वैलिड है, किसी भी ईयर, ठीक है ना। इट इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये लाफ्टर का कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसको हम यहाँ रखते हैं। कार्ड्स आपके लिए मैंने शफल किए हुए एंड आपके लिए हम पहले टैरो डेक से देखेंगे, फिर हम आपके लिए कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे, देन आपके लिए हम लास्ट में गाइडेंस देखेंगे, ठीक है। तो चलिए टैरो डेक को पहले अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड करें। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन कार्ड,
वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टावर कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स। पाइल नंबर टू, मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग आने वाले 6 महीने में ना काफ़ी ज़्यादा अपने पास्ट पे फोकस होने वाले हैं। मतलब हो सकता है पास्ट में आपके लिए कुछ ऐसे पर्सन रहे हो, या पास्ट में कोई आपका रिलेशनशिप रहा हो, या फिर पास्ट से कुछ यादें आपको काफ़ी ज़्यादा इन 6 महीनों में सताने वाली हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में आप किसी पर्सन के साथ, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके पैतृक घर जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ से, ठीक है ना, आपको मिलने आ सकते हैं। मुझे ऐसे चांसेस लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आने वाले 6 महीने में आपके बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती है। बाहर जाना इन द सेंस आपके सिटी से बाहर भी हो सकता है, आपके कंट्री से बाहर भी हो सकता है। कुछ लोगों को अभी से ही पता है कि मुझे बाहर जाना है अपने वर्क को लेके, या फिर किसी से मिलने भी हो सकता है। हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड से आप मिलने जाएँ, ठीक है, जो कि बाहर रहते हो। मुझे ये भी लग रहा है आने वाले 6 महीने में आप किसी बीमार व्यक्ति की हेल्प करेंगे, ठीक है। बीमार व्यक्ति की काफ़ी केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपकी फैमिली के भी पर्सन हो सकते हैं जो बीमार हो, ठीक है, या फिर कुछ अपने फ्रेंड ग्रुप में भी हो सकते हैं। लेकिन किसी न किसी ऐसे पर्सन की जिनकी बहुत ज़्यादा, जिनको ज़रूरत है आपकी, आप उनको हेल्प करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने वर्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करने वाले हैं और उसके ऊपर फोकस होके वर्क करेंगे, काफ़ी फोकस्ड होने वाले हैं, ठीक है ना, अपने वर्क को लेके। खास करके मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने लिए नए वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या फिर आप किसी न किसी तरह की नई क्वालिफिकेशन में एडमिशन लेने वाले। हो सकता है आप घर पे बैठे हो और आप किसी ऑनलाइन कोर्स में अपना दाखिला करवाएं, या फिर आप खुद किसी को ऑनलाइन टीच करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके लिए आने वाले 6 महीने काफ़ी पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है, और आप इस यहाँ पे इस आने वाले 6 महीने में आप जो भी करेंगे ना काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले, काफ़ी खुश होंगे, ठीक है। आपके लिए हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आए, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों से चल रही कोई प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, वो एंड हो इस आने वाले 6 महीने में, ठीक है। ये भी फील हो रहा है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आने वाले इन 6 महीनों में आपको जिस रिलेशनशिप के ऊपर में शक है, ठीक है ना, रिलेशनशिप बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एक फ्रेंड हो सकते हैं। आपको अभी से अंदाज़ा है कि वो मुझे शायद चीट कर रहा है, या फिर मेरे पीछे कुछ मेरे लिए ख़राब सोच रहा है, ठीक है। उस चीज़ का आपको, आपके सामने वो चीज़ आएगी, ठीक है ना, आपको पता चलेगा कि वाकई में जो आप सोच रहे थे वो सच है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है, एंड देन आप उस चीज़ को पीछे छोड़ेंगे, ठीक है ना, आप उस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे। मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंट ऑफ द पीपल के लिए, और आपका उनके साथ पूरा का पूरा एंड होगा रिलेशनशिप, ठीक है। और इस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी होंगे, और कुछ समय के लिए इन आने वाले टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सन की तरह इमोशनली आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं, इमोशनली आप ऐसे लोगों को दिखाएंगे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख होगा उस बात का, ठीक है ना, कि इस पर्सन ने मुझे चीट किया। या फिर कुछ लोगों के लिए वर्क लॉस भी हो सकता है, ठीक है, किसी पुराने जॉब का लॉस हो, या किसी न किसी तरह का आपके लाइफ में 6 महीने में थोड़ा सा उछाल होगा, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी टेंशन होगी, ठीक है, और वो टेंशन आप काफ़ी स्ट्रांगली आप उस चीज़ से डील करेंगे, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड इज़ हियर, तो आप उसको एक राजा की तरह, ठीक है ना, काफ़ी ब्रेवली उस चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबली आप उसके साथ डील करेंगे, और वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके लाइफ के, और आप काफ़ी ज़्यादा उसको स्ट्रांगली आप उस चीज़ से डील करने वाले हैं उस टावर मोमेंट से, ठीक है ना, जो भी आपकी लाइफ में परेशानी होने वाली है इन 6 महीनों में, ठीक है। ये परेशानी मैंने आपको बताया, किसी पर्सन द्वारा चीट किया जाना भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सभी के रिलेशनशिप के पार्टनर चीटर नहीं है, ठीक है ना, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपको अभी से उस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है ना, आपको कुछ आइडिया है, तो देन उस केस में इस चीज़ का अंदाजा है, वो चीज़ आपके सामने खुल के आएगी, और तब आप उस चीज़ को एंड करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है, और वो आपकी लाइफ का साइकिल कंप्लीट होगा, और ये आपके बेहतरी के लिए होगा, ठीक है ना। अगर हमारे लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन है और हम अगर उसके साथ हैं तो वो हमें हार्म पहुँचा सकता है, पर अगर हमें उसकी सच्चाई पता चल जाती है
तो हमारे लिए वो बेहतर होता है, क्योंकि हम उस केस में क्या हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव द सन कार्ड इन योर रीडिंग। और आपके आने वाले 6 महीने में ये ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, बट कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी सी इमोशनली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेवली निकल जाएंगे उस चीज़ से, ठीक है। हो सकता है आपको एक ये लाइफ में लेसन मिले, ठीक है, आपको हो सकता है आप वर्क में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। वर्क के लिए मैं बता रही हूँ, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस मिलेगी। आप दान धर्म भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कुछ या फिर आपके वर्क प्लेस पर आपको काफ़ी ज़्यादा सम्मान और इज्जत मिलेगा और आप दान धर्म करेंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे ये भी फील हो रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। चलिए और आपके लिए मैसेजेस लेते हैं ओरेकल डेक से। वॉकिंग अवे, ठीक है, वी हैव ऑल टाइड अप। तो वॉकिंग अवे बता रहा है द टावर के नीचे, डेफिनेटली आप किसी पर्सन के साथ काफ़ी जिस दिन से ऑल टाइड अप हो जाता है किसी रिलेशनशिप में, आपको पता है कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, मेरे लिए टेंशन है, मेरे लिए इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, या किसी भी पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी फ्रेंड या किसी बिजनेस में भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। देन आप उस पर्सन के साथ अपना एंड करेंगे, जो भी आपका रिलेशनशिप है, जो भी पार्टनरशिप है, और उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को आप छोड़ के बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलेंगे किस लिए, पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिविटी लाएगी, ठीक है ना। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, टॉक्सिक पार्टनरशिप में है, देन आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बंधा हुआ महसूस भी कर रहे हैं, ऑल टाइड अप, काफ़ी दुखी है। विक्ट्री, देखिए आपकी विक्ट्री होगी, ठीक है ना, द वर्ल्ड कार्ड के नीचे। आप अगर इस टॉक्सिक पर्सन के से आप दूर होते हैं, वॉक अवे करते हैं, देन आपकी विक्ट्री है, ये आपकी अच्छाई के लिए है। यानी आने वाले 6 महीने में थोड़ा सा आपके लिए हार्डशिप आ रहा है, बट वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है, विक्ट्री, विक्टोरियस है। विल टेक सम मोर कार्ड्स एंड सी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, आपके साथ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, आप जो भी डिसीजन लेंगे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी और अपने विजडम को यूज़ करके लेंगे, ठीक है ना, और ये डिसीज़न आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगी। आने वाले 6 महीने आपके लिए बेहतरीन होंगे, ठीक है, आप हिम्मत दिखाने वाले हैं। ब्रोकन हार्ट, ठीक है, कुछ लोगों का दिल भी टूटेगा बिकॉज आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, ये बात आपके सामने खुल के आएगी, मैंने पहले ही बताया द टावर से, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है देन आपका दिल तो टूटेगा, ठीक है ना, या फिर ऑलरेडी आपके साथ ऐसा हो चुका है, या फिर हो सकता है आपको बिजनेस में थोड़ा लॉस हो, जो भी आप उससे रिकवर करेंगे काफ़ी बोल्डली, ठीक है ना। एंड वाई, कुछ लोग आपके पीछे, ठीक है ना, तो आपके फ्रेंड या आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो भी है ये टावर से ही रिलेटेड आ रहा है, ये आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो आप उस चीज़ को ख़त्म करेंगे और आपके लिए विक्ट्री होगी। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, ठीक है, आप अपने विजडम का इस्तेमाल करें किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। एप्रिसिएशन, ठीक है, द सन का कार्ड भी है, तो आपको वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हो सकता है आप किसी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव साइकिल से निकले और एक नए साइकिल की तरफ बढ़े, और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आप कोई चैरिटी वर्क करें, वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन मिले, पर एप्रिसिएशन है आपके लिए 6 महीनों में। द सन, ओ माई गॉड, द सन फॉर 2 times, द सन दो बार आया। थोड़ी सी हार्डशिप तो है, लेकिन आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी बहुत है, आपको वर्क में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, आपकी हेल्थ, अगर आप कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज भी लग रहे हैं, आप तो वहाँ पे आपका सुधार होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप बहुत दिनों से किसी बीमारी की तरफ, मतलब आपको कोई बहुत दिनों से इलनेस है, तो वहाँ से आपको छुट्टी मिलेगी, आप वहाँ से रिकवर कर जाएंगे। दस एंड प्रॉस्पेरिटी है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइट, और अगर आपके लिए कुछ बुरी चीज़ें आप अगर आपकी लाइफ में है तो वो भी एंड होगी। इनडिसीजन, हो सकता है आप आने वाले टाइम में इनडिसाइसिव हो, थोड़े से डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, सो आप इनडिसीजन के मोड में हो सकते हैं, यानी आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, कोई किसी बात को लेके। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, तो जैसा मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है कि आपके आने वाले 6 महीने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है, आपको वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। तो ये हुआ, अभी चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। वी हैव ऑनेस्टी, ठीक है, आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, कोई कितनी भी बीमारियाँ करे, आप ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है ना, आपके लिए ये आ रहा है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड, पढ़िए इसे, ठीक है, तो आपकी ऑनेस्टी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी। आपके साथ कोई कितना भी बुरा रहे, आप अपने विजडम और अच्छाई का साथ मत छोड़िएगा,
आर्कएंजल गैब्रियल कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, ठीक है। तो आप बिल्कुल प्योरली डिसीजन को लीजिएगा, ठीक है ना। कोई आपके साथ बुरा भी करे तो भी आपको वहाँ पे अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है, ना कि बुराई का साथ लेना है। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आपको आगे की सोचनी है, ठीक है ना। आप काफ़ी बड़ा कुछ करेंगे लाइफ में, आप काफ़ी बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे इस इन 6 महीनों में। आपके साथ एंजल है। अगेन वी हैव आर्क एंजल रफेल। दो टाइम आपके लिए ऑलरेडी एंजल्स आ चुके हैं। हीलिंग एंड अबंडेंसेज आर कमिंग टू यू। 10 वन का कार्ड दो बार आया है तो ये तो श्योर है कि आपके लिए अबंडेंस आएगी, ठीक है ना, इन 6 महीनों में। च्वाइसेस, ओ माई गॉड कितना क्लियर है आपके लिए च्वाइसेस। हो सकता है आपके लिए किसी बात को लेकर काफ़ी च्वाइसेस हो और तब आप वहाँ पर इनडिसाइसिव हो जाए, ठीक है ना। तो किसी भी बात को लेकर च्वाइसेस हो जाता है। हो सकता है आपके लिए मैरिज प्रपोजल में काफ़ी च्वाइसेस आए और तब आप डिसाइड नहीं कर पाए। हो सकता है करियर के लिए हो, हो सकता है आपके लिए 2-3 करियर ऑप्शन आ जाए और तब आप च्वाइस नहीं कर पाए। ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। आपके लिए ब्लेसिंग्स आने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छे मैसेजेस आए। रेनबो अगेन, हैप्पीनेस एंड जॉय, ठीक है। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड जॉय आएगी। अप्रिसिएशन का भी कार्ड है। मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करिए या फिर ऑलरेडी आप किसी पार्टनर को या किसी वर्क को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए गुड हेल्थ भी है, ठीक है ना, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपने लाफ्टर का कार्ड चूज़ किया है तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी इन 6 महीनों में, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, मुझे आपके लिए यही गाइडेंसेज, यही मैसेजेस मिली है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। जो मैंने, मुझे नेगेटिविटी दिखी, जो प्रॉब्लम हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया और ये आप आसानी से इसके साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। सो आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने ये कार्ड सेलेक्ट की है फेदर की और ये आपकी रीडिंग है। चलिए हम देखते हैं इस रीडिंग में आपके आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। आपके वर्क, आपके करियर, आपके लव्स, जो भी एस्पेक्ट हैं, हम सभी को देखेंगे कि आपके आने वाले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। दोस्तों, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देख रहे हैं तभी के लिए ये, तभी से 6 महीने तक के लिए ये वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि हम 6 महीने की रीडिंग कर रहे हैं और ये टाइमलेस है। यानी आप किसी ईयर, किसी भी मंथ से देख रहे हो, ये वैलिड है और उस टाइम पीरियड से 6 महीने तक के लिए ये वैलिड है। मैंने कार्ड शफल कर लिया दोस्तों, ये टैरो कार्ड्स है और इससे हम पहले देखेंगे, देन हम आपके लिए कुछ और एनर्जी और ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, देन लास्ट में हम ये कार्ड्स देखेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको 6 महीनों में क्या करना चाहिए सो दैट आपकी आसान हो जाए कोई भी प्रॉब्लम। पहला कार्ड आपके लिए आया है द मून कार्ड, द फूल कार्ड। ये काफ़ी डिटेल रीडिंग है, पूरी रीडिंग देखिएगा। पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव 7 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव एस ऑफ वैंड्स। दोस्तों, आने वाले 6 महीने में मुझे ये फील हो रहा है कि आपको काफ़ी अपने ड्रीम्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ड्रीम्स इन द सेंस कि आप अपने सपनों के ऊपर में ध्यान दें कि आपको सपने क्या आते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको सपने में कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट दिखे जिसके ऊपर भगवान आपको सपनों के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस देना चाह रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले 6 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे। इंट्यूटिव मतलब अपने मन की बातों को सुनेंगे और आपको मन के भीतर से अपने वर्क के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आएंगे, ठीक है। मुझे ये फील हो रहा है और मुझे ये भी लग रहा है दोस्तों कि आपके सामने, आपकी लाइफ में, है ना, खास करके मुझे ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने 2 चेहरा लेके घूमते हैं, ठीक है ना, 2 चेहरा लेके घूमते हैं। मुझे ये पाइल नंबर 2 के लिए भी आया था और आपके लिए भी आ रहा है, ठीक है, आपके कार्ड्स देख के कि आपके सामने 2 चेहरा लेके घूमते हैं, सामने कुछ है, पीछे कुछ है। देन आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है उन लोगों के ऊपर में, ठीक है। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अभी करियर के लिए या आने वाले 6 महीने में करियर के लिए कुछ ऐसे ऑप्शंस नज़र आएंगे जो सामने से तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं, एल्यूरिंग लगेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे लगेंगे सामने से। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको केयरलेसली बिल्कुल वहाँ पे अपना हाथ या इन्वेस्टमेंट या फिर अपना कदम वहाँ पे ना बढ़ाएं। हो सकता है आगे आपके लिए खाई हो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप कोई भी ऑफर जो आपके सामने से आ रहा है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अगर बिना सोचे समझे उसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे ना कदम, तो मे भी आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है इन आने वाले 6 महीनों में,
ठीक है, सामने ही कुछ और पीछे कुछ और हो, सो आप वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, थोड़े से अटेंटिव बनिए, सभी तरफ से उसकी छानबीन कीजिए और तब उसकी तरफ अपने कदमों की तरफ आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ आप अपने मन की बातों को ध्यान से सुनिए कि आपको अपने मन के भीतर से क्या मैसेजेस आते हैं। आने वाले 6 महीनों में आपकी इंट्यूशन आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि आपके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़ इन द सेंस कि आपके लिए कुछ करियर में नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर करियर में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कोई एग्ज़ाम लिखा हुआ है उसके रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ आ सकते हैं और ये गुड न्यूज़ आपको फ्रेंड के थ्रू या ऑन द कॉल मिल सकता है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ या फिर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं और काफ़ी प्लेफुल एनर्जी में भी आने वाले हैं। प्लेफुल एनर्जी इन द सेंस कि आपको आने वाले 6 महीनों में घूमना फिरना काफ़ी आपको लगेगा, मुझे घूमना फिरना चाहिए, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा गाने सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, कुछ लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो वो भी आप काफ़ी ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, यानी ज़िंदगी के मज़े लेंगे आप। मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स से, ठीक है ना, हो सकता है आपका रिलेशन से बहुत दिनों से चला आ रहा है किसी के साथ और आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बताएंगे, ठीक है ना, और अपने जब पेरेंट्स के साथ रिवील करेंगे तो हो सकता है आपके पेरेंट्स कुछ प्रॉब्लम करें या नामंजूरी दे, तब आप वहाँ पे थोड़े से अड़ेंगे, ठीक है ना। मुझे ये फील हो रहा है आप अपने पेरेंट्स के सामने अड़ जाएंगे कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ ही शादी करनी है या यही मेरे साथ रहेगा रहेगी जो भी है, मतलब वहाँ पे आप हो सकता है थोड़े से अडिग या फिर हम कह सकते हैं किसी बात को लेके अड़ सकते हैं, ठीक है, इन आने वाले 6 महीनों में। या फिर हो सकता है किसी करियर को लेके आप अपने पेरेंट्स के सामने जिद करें, ठीक है, या फिर आप किसी न किसी पर्सन के सामने किसी न किसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा अड़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि मुझे ये चीज़ करना है या ये चीज़ मुझे चाहिए या फिर मेरे लाइफ में ये चीज़ होना ही चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके मुझे कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं देन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आप उस चीज़ को थोड़ा लाइटली लें, ठीक है, या फिर आप अपने पर्सन की इमोशंस को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें कि वो आपको क्या बोलने चाह रहे हैं, इंस्टीड ऑफ दैट कि आप उनके साथ झगड़ा लड़ाई करें, ठीक है। इसीलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग कर रही हूँ सो दैट आपके आने वाले 6 महीने थोड़े से आसान हो जाए, ठीक है। 3 of Cups हो सकता है, मैंने पहले भी कहा कि आप आने वाले इन 6 महीनों में काफ़ी मस्ती कर सकते हैं, तो हो सकता है आप पार्टी करें अपने घर पे ही या फिर कुछ पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलके पार्टी करें, और या फिर घर पे भी आपके कुछ ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं, बेबी शावर या वेडिंग या फिर किसी तरह का इंगेजमेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट हो इन आने वाले 6 महीनों में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ करेंगे, या फिर हो सकता है बड़े पैमाने पे नहीं बिकॉज ऑफ द कोरोना ऑब्वियसली, तो आप कम ही लोगों के साथ करें, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। आपकी हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, अगर आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थ से कंसर्नड है तो मैं कहूँगी कि आप अपने हेल्थ के लिए, आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी इन आने वाले 6 महीनों में, ठीक है। फाइनेंशियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होने वाली है, हो सकता है आप कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क करें या फिर अपने करियर में कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हैं आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, शायद किसी रिलेशनशिप का, किसी कमिटमेंट का, तो आपको वो मिलेगी, ठीक है ना, या फिर आप सक्सेस का वेट कर रहे हैं या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम्स को लिखा हो उसकी रिजल्ट का, देन आपके लिए वहाँ से गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है, यू विल गेट द गुड न्यूज़। चलिए हम आपके लिए और भी देखते हैं गाइडेंस एनर्जी ओरेकल कार्ड से। वेट, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी, हाउ विल बी द नेक्स्ट 6 months फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। वी हैव डिसीट, ठीक है, जैसा पहले कहा कि हो सकता है कोई पर्सन आपके सामने 2 चेहरे लेके घूमता हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकते हैं, किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वहाँ पे भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, सभी के लिए नहीं बता रही हूँ, बट आपको खुद से एक आइडिया होगा कि ये पर्सन मेरे साथ चीट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताएगी, ठीक है ना, कि देन आपके लिए कुछ चांसेस है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी कि कुछ मार्क्स्ड पर्सन है आपके लाइफ में, ठीक है, जिनको लेके आप काफ़ी सीरियस हैं। कॉर्नुकोपिया, ठीक है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं या फिर आने वाले 6 महीने आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन के जैसा होंगे, ठीक है, काफ़ी सेलिब्रेट, आप काफ़ी मस्ती करेंगे, काफ़ी खुशियाँ होंगी आपके लाइफ में, आपके लिए
जो भी डिफिकल्टी है उससे ओवरकम करेंगे। इस पर्सन आप ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ हार्म नहीं पहुंचा पाएगा, बट आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ आने वाले 6 महीने काफ़ी बेहतर बीतने वाले हैं, बहुत खुशियों भरी सक्सेस भी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है ना। एनजाइटी, ठीक है, हो सकता है आप किसी चीज़ का काफ़ी वेट करें इन 6 महीनों में, किसी पर्सन का भी हो सकता है, ठीक है, वेट करें और ये आपको काफ़ी टेंशन दे रही है या फिर देगी आने वाले 6 महीनों में। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो या किसी रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से वेट करोगे इन आने वाले 6 महीनों में। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गॉड गाइड। इन डिसीजन, ठीक है, हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे आने वाले 6 महीनों में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन ले कौन सा नहीं ले, लेकिन किसी न किसी तरह से आप इनडिसाइसिव मोड में रहेंगे, ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन रहेगी आपके दिमागों में। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, ये तीनों पाइल्स के लिए आया है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ डिफिकल्टी या चैलेंजेस हो इस पर्सन के वजह से हो सकती है, ठीक है। देन आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि आप थोड़े से इंट्यूटिव हो, अगर आपके सामने से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसके ऊपर आपको शक हो रहा है थोड़ा सा, देन आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम में नहीं फंसे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके आपको देखना है। डोर टू रोमांस, ठीक है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है या फिर आपको अपने पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आपके पेरेंट्स हो सकता है आपके रिश्ते के लिए हाँ बोल दे, शायद आप किसी के लिए अगर आपने अपने पेरेंट्स को बताई हुई है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो सकती है। कुछ सिंगल लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं या फिर आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं कुछ लोगों के लिए। विक्ट्री, ओ माय गॉड, ठीक है, डिसीट के नीचे आया विक्ट्री, ठीक है, अगर आपको कोई चीट करेगा भी तो आपका हानि नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है ना, ये बात तो श्योर है, ठीक है, आपके लिए आया है विक्ट्री, तो आप हो सकता है आपकी लाइफ में कोई आपको चीट करने की कोशिश करे तो भी आपका हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है, बिकॉज यू विल यूज़ योर विजडम। ऑल टाइड अप, ठीक है, तो आप थोड़े से टेंशन में ले सकते हैं इस बात का कि मुझे कोई हानि पहुंचाई या कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, वो पर्सन आपको हानि तो नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है, मे बी आपको कुछ लेसन्स मिले लेकिन हानि नहीं पहुंचेगी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। द थिंकिंग वुमेन, ठीक है, आपको आपके एनजाइटी से निकलने के लिए आपके लाइफ में कोई वुमेन हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, लाइफ पार्टनर या आपके साथ जो रिलेशनशिप में है वो, या फिर कोई टीचर या आपकी मदर, ठीक है ना कोई वुमेन आपकी हेल्प करेगी आपके इनडिसीजन से निकलने के लिए, ठीक है, आपके कन्फ्यूजन से निकलने के लिए, आपके जो भी टेंशन होने वाली उससे निकलने के लिए आपकी कोई हेल्प करेंगी, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप आपके लिए कोई रोमांटिक पार्टनर एंटर हो सकते हैं, डोर टू रोमांस, कुछ लोगों की नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है या कमिटमेंट मिल सकती है। एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, तो सब कुछ होने के बाद भी आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आएगा, ठीक है, आप इंट्यूटिव बनेंगे, आप अपने मन की बातों को सुनेंगे, आपके लाइफ में इन 6 महीनों में आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। वी विल टेक लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस टेक, दिस वॉज कमिंग, ओके, डोर टू वैल्यू, ओ माई गॉड, ठीक है, तो यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया है ना, तो आपको काफ़ी सेलिब्रेशन, काफ़ी सक्सेस या फिर काफ़ी पैसे का बेनिफिट होगा, हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं देन आपके लिए बेनिफिट काफ़ी आने वाली है। वी हैव डोर टू रोमांस, आपके लिए रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, आपको बिजनेस में काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। चलिए आपके गाइडेंस कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वी हैव आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव बनने की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने मन की बातों को सुन सकते हैं, दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए, आपके जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, ठीक है ना, आपके लिए शांति बहुत हेल्प करेगी। देखिए आपके लिए इंट्यूशन भी आया है और आपके लिए द मून का भी कार्ड आया था, द मून का कार्ड भी आया, तो आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे इन 6 महीनों में और अपनी मन की बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, और आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि आपके साथ कौन चीट कर सकता है, कौन अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी है, कौन नहीं। सोल सेटिस्फैक्शन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगे, डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, आपको जो भी चाहिए वो मिलेगा, ठीक है ना, आप काफ़ी ज़्यादा अभी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या आने वाले 6 महीनों में वेट करें तो वो वेट ख़त्म हो जाएगी, आपका सोल सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है ना, आपकी आत्मा को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी, आपके दिल को खुशी मिलेगी। आर्कएंजल माइकल, यूज़ द सोर्स ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड, आपके साथ जो भी परेशानी हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए, आप किसी भी तरह की इनडिसीजन में फंसो इन 6 महीनों में,
तो आपके लिए गाइडेंस है दोस्तों कि आप त्रुटि का साथ ना छोड़ें, ठीक है। आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि सच्चाई का साथ ना छोड़े किसी भी तरीके से, ठीक है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए तो उसे देख के उसके पीछे ना जाए, सच्चाई का साथ दे। फेदर आपके साथ डिवाइन है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आने वाले 6 महीनों में आपको काफ़ी फेदर्स दिखे, जो कि एक संकेत है कि आपके साथ एंजल्स है, आपको उन पर भरोसा रखना है। आप मेडिटेशन करिए, आप मन को शांत रखिए, जैसे भी आपका मन शांत रहता है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए गाइडेंसेस। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की है और आने वाले 6 महीनों में आपकी हेल्प करे, ठीक है। सो मैंने ये रीडिंग की थी आपके लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनी सेहत का जरूर से ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, अभी का टाइम काफ़ी डिफिकल्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको ये एडवाइस अच्छी लगी होगी, मेरे गाइडेंसेज अच्छे लगे होंगे, मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।